बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि मोहन जोधपुर के निवासी है। हमेशा नियोजित और व्यवस्थित वस्तु संस्कृत सभ्यता के पक्षधर थे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, कल मैंने भी बताया था कि जब लेखक, ठीक है, वहाँ पहुँचा तो उस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था क्योंकि सारे घर के दरवाजे टूटे थे, सारे यहाँ सन्नाटा था, कि और भी ज़्यादा साय साय की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक है, जैसे सड़क पर कोई वाहन गुजरता है, ठीक है, तो अचानक बहुत तेज़ उसके पीछे से हवा आती है और ध्वनि आती है, वैसे ही लयबद्ध थपेरे हवा की सुनाई दे रहे थे बार बार। ठीक है, और सारे घर के दरवाजे खिड़की टूट चुके थे, कोई वहाँ रहने वाला नहीं था, तो और भी अधिक हवा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी घर में जाना चाहेंगे तो किसी भी घर के से दूसरे घर में आपको वापस आना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब खंडहर हो चुके हैं, सबके है दरवाजे खिड़की टूट चुके हैं, तो एक घर से आप दूसरे घर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो लेखक का कहना था कि पूरी ही बस्ती मानो क्या एक ही घर हो। ठीक है, तो आप है अगर एक घर में प्रवेश करते हैं तो दूसरा घर आपके लिए है खुला है, तीसरा घर भी खुला है, तो पूरी बस्ती में आप एक जगह प्रवेश करके आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि हर घर का एक केवल नक्शा नहीं होता बल्कि घर में रहने वालों के संस्कार भी होते हैं, यानी चाहे वो 5,000 वर्ष पूर्व ही क्यों ना रह रहे हों, यानी कि यहाँ के लोग किस संस्कार से रहते थे, कैसे उठते बैठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, हैं, और उनके मन में है संस्कृति कला के प्रति क्या भाव था। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति वो किस तरह से जागरूक थे, तो ये चीज़ें सारी संस्कार क्या है से ही क्या है घर बनता है। घर है प्रेम से, संस्कार से, रहने वालों की भावनाओं से ही बनता है। ठीक है, तो घर केवल नक्शा नहीं है और 5,000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। ठीक है, तो उनकी रहन सहन, उनकी बोली, उनकी संस्कृति, स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता, जल के प्रति संरक्षण, ये संस्कार ही क्या इस सभ्यता को बनाते हैं। ठीक है, तो लेखक का मानना था कि क्या है कि आप ज़्यादातर हर कोई पांव आहिस्ता से उठाते हुए, ठीक है, एक घर से दूसरे घर दाखिल होता है। ठीक है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत को निहारने की जिज्ञासा ना हो, यानी कि क्या है हम केवल अतीत देखने नहीं जा रहे हैं कि अतीत के ये खंडहर हैं, बल्कि हमें लगता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे थे और आज भी ये भाव पैदा होता है कि वो यहाँ आएंगे तो एक अपराध बोध मन में क्या है आ जाता है कि हम किसी, ये घर तो हमारे पूर्वजों के हैं परंतु क्या है हम क्या है इसमें अनाधिकार रूप से प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सभ्यता जरूर है परंतु ये घर आपका नहीं है, यानी हमारे पूर्वजों का है, और एक ये संस्कार है कि अनुमति हमें लेनी आवश्यक है। ठीक है, और है जो पुरातत्ववेत्ता हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सावधानी से यहाँ पर खुदाई की है। ठीक है, तो कंघी दर कंघी, जैसे कंघी से क्या है किसी चीज़ को क्या है आप अपने बाल को झाड़ते हैं, ठीक है,
तो बालों की जो पंक्तियाँ बन जाती हैं, इसी तरह से यहाँ के पुरातत्ववेताओं ने, जिसका कि नाम मैंने बताया, राखालदास बनर्जी, हेरल्ड हरग्रीव, माधव स्वरूप वत्स, काशीनाथ दीक्षित, ठीक है, तो बहुत से पुरातत्ववेताओं ने इनकी जहाँ जहाँ खुदाई की है, इनकी गलियों और घरों को बहुत ही सावधानी से सहेजा है, ढूंढा है, ठीक है। तो ये है, और इस वक्त जो वो आपके सामने है, ठीक है, और है, तो ये सब ये एहसास दिलाते हैं कि कभी कोई यहाँ बसता था, यानी कि कल हमारे पूर्वज यहाँ बसते थे, उनके ये संस्कार थे, उनका ये रहन-सहन था, वो है, उनकी है ये परंपराएं थीं, वो क्या है, इन खंडहरों से हमें पता चलता है। तो लगता है कि ये हमारे पूर्वजों के घर हैं, परंतु बिना अनुमति के हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, यानी पूरा वातावरण क्या है, एकदम जीवंत प्रतीत होता है, ठीक है। तो किसी भी एक घर में जाने के लिए क्या है, दूसरे घर के में बाहर नहीं निकलना पड़ता, पूरी ही बस्ती एक घर जैसी हो गई है, क्योंकि खंडहर हो गए हैं, दरवाजे खिड़की टूट चुके हैं, फिर भी पुरातत्ववेत्ताओं की या पुरा है कि ये खूबी है कि इन्होंने इतने अच्छे से खुदाई की, इतनी अच्छी खुद इतनी सावधानी से खुदाई की कि ये गलियाँ और सड़कों और घरों को क्या है, उन्होंने ढूंढा, ठीक है। तो ये हमें ये एहसास दिलाता है कि यहाँ कोई बसता था, यहाँ खाना पकता था, यहाँ खुशबू आती थी, यहाँ बैलगाड़ी चलती थी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो जब लेखक वहाँ गया, तो अनचाहे ना चाहते हुए भी उसे क्या है, राजस्थान के उन घरों की याद आ गई, ठीक है, मोहनजोदड़ो की गलियों को देख करके क्या है, राजस्थान के घरों की याद आ गई, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसलिए ये याद आ गई, क्योंकि क्या है, ये इलाका क्या है, बहुत कुछ क्या है सिंध प्रांत, क्या बहुत कुछ राजस्थान से मिलता जुलता है, परंतु इसका एक कारण और था, ठीक है, कि राजस्थान और सिंध गुजरात का वातावरण, दृश्य और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिलती जुलती हैं, ठीक है। बच्चों मैं फिर बता रही हूँ कि जब लेखक वहाँ गया, तो उस समय बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा के थपेड़े थे कि हवा की आवाज़ साँस साँस सुनाई दे रही थी, ठीक है, और सूने घरों में वो आवाज़ और भी तेज प्रतीत हो रही थी, मानो कि क्या है, जब कोई वाहन गुजरता हो तो साँस से आवाज़ आती, ऐसे है लय के थपेड़े क्या है सुनाई दे रहे थे। फिर भी लेखक ने है उन घरों में है जब प्रवेश किया, बहुत आहिस्ता कदम रखा, तो उसे लगा कि क्या है कि वो एक झिझक महसूस हुई, कि मानो कि वो अनचाहे, बिना चाहे, बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश कर रहा है, क्योंकि है ये घर भले ही खंडहर हो गए हैं, परंतु घरों का क्या संस्कार है, घर क्या संस्कार से बनते हैं, यहाँ के रह निवासियों के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति थे, भले ही वो क्या घर क्या है 5,000 वर्ष पुराने क्यों ना हो, वो सभ्यता 5,000 वर्ष पुरानी क्यों ना हो, ठीक है। तो लेखक को का कहना था ये हमारे पूर्वजों की सभ्यता है, परंतु घर उनके हैं, और पुरातत्ववेत्ताओं ने, जिनमें राखाल दास बनर्जी से आरंभ किया उन्होंने, और उसके बाद हेरल्ड हरग्रीव्ज और है काशीनाथ दीक्षित, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, बहुत से पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई करवाई। तो लेखक का कहना इतने सावधानी से और इतनी अच्छी से खुदाई करवाई कि मानो कि क्या है कि उन्होंने कंघी दर कंघी गलियों और सड़कों को ढूंढा है, जैसे कंघी करने से बाल की एक एक पंक्ति सामने आ जाती है, ऐसे ही इन्होंने। तो जो हमें ये एहसास दिलाता है कि यहाँ कोई बसता होगा, ठीक है। तो ये सारा दृश्य देख करके ना चाहते हुए भी लेखक को क्या राजस्थान की याद आ गई, ठीक है, क्योंकि राजस्थान, सिंध और गुजरात की बहुत सी चीज़ें, दृश्यावली यानी वातावरण, जैसे पहले ही बताया लेखक ने कि यहाँ भी क्या है
वैसे ही तेज धूप होती है, गर्म गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, जाड़े में क्या बहुत अधिक जाड़ा, ठीक है। तो यही दृश्यावली क्या इस समय भी एक जैसा ही वातावरण, एक जैसे ही दृश्य, यहाँ तक कि क्या है कि बहुत कुछ चीज़ें, लेखकों को कहना है कि क्या है, यहाँ की सिंध और गुजरात से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो जो कि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है उनको जोड़ती हैं, ठीक है, कि सिंध गुजरात और राजस्थान का वातावरण, दृश्यावली माने दृश्य, ठीक है, यानी बहुत अधिक गर्मी पड़ना गर्मी में और सर्दी पड़ना, बहुत अधिक तेज धूप होना, ठीक है, सूना परिवेश, ये सब क्या है, बहुत चीज़ें क्या है लेखक को क्या है सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती हैं, ठीक है। वही चीज़ें जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत हैं, ठीक है, बाजरे और ज्वार की खेती होती है, ठीक है, कि आ वहाँ पर हजारों साल पुराने, यहाँ क्या हजारों साल पुराने खेत हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है राजस्थान में और गुजरात में हजारों साल पुराने खेत हैं, और वहाँ पर क्या है बाजरे और जौ की खेती होती है, ठीक है। तो उन घरों में ठहलते हुए लेखक को कुलधरा, एक गांव की याद आई, ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है, जो कि जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों वाला खूबसूरत गांव है, ठीक है, समझ में आया, फिर से बता रही हूँ कि लेखक का कहना है कि ना चाहते हुए भी उसे है ये सब मोहनजोदड़ो के खंडहर देख करके उसे राजस्थान की याद आ गई, ठीक है। तो राजस्थान, सिंध और गुजरात की बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। उनकी दृश्यावली यानी वातावरण एक जैसा है, वही वातावरण में सूना परिवेश, बहुत अधिक सर्दी, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, और क्या है, ठीक है, और इतनी तेज धूप की है, जाड़े में भी इतनी तेज धूप, ये सारे वातावरण क्या है एक जैसे ही हैं। परंतु इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या है मोहनजोदड़ो से हजारों साल पहले की सभ्यता से मिलती हैं, जैसे कि हजारों साल पुराने खेत, ठीक है, बाजरे और ज्वार की खेती, जो आपने पढ़ा कि क्या है वहाँ पर क्या है बाजरे और ज्वार के बीज मिले हैं, तो बाजरे और ज्वार की खेती, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में टहलते हुए लेखक को कुलधरा नामक गांव की याद आ गई, कुलधरा गांव का नाम है, जो कि जैसलमेर के आरंभ में, मुहाने माने आरंभ में ही, मुंह जैसलमेर जैसे आरंभ होता, मुहाने माने मुंह पर, यानी आरंभ में एक गांव है, ठीक है, और वहां पर है जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। समझ आया कि यहाँ टहलते हुए लेखक को क्या है